जुड़ चुके हैं बारह टाइम्स के साथ। हमारे साथ हैं जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी, आइए इनसे बात करते हैं। सर, जाते जाते आप नए साल में जम्मू कश्मीर के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जम्मू का जो यूथ है वो मेहनत से पढ़े, पढ़ाई करे और देश और समाज की जो त्रुटि है उसको दूर करे, अपना नशे की तरफ ना जाए, संस्कार की तरफ जाए, ज्ञान और संस्कार। जैसे अभी 31 दिसंबर हुआ है तो लोग 31 दिसंबर मना रहे थे, लेकिन हमारे एरिया के अंदर जो बच्चे थे, हमने एक टीन एज करके हरे कृष्णा हरे रामा का एक वहाँ पर कार्यक्रम रखा था। 9 से 12 वो हमारे जितने भी बच्चे थे हमारे एरिया के, वो सब वहाँ पर आए। उन्होंने वो कार्यक्रम करते हुए संस्कार और ज्ञान दोनों को जोड़कर उसकी तरफ बढ़े, ताकि हमारी संस्कृति है जो हमारी जम्मू कश्मीर की डोगरा संस्कृति है उसको बढ़ाएं, अपना जो हमारा देश प्रेम है उसकी तरफ, देशभक्ति की तरफ चलें। यही 2019 आज हमारे जो यूथ है उनको यही पैगाम है। सर, जम्मू में स्मार्ट सिटी का जो दर्जा है वो उसको दिया जा रहा है, तो एज ए मेयर आप जम्मू को कैसे स्मार्ट बनाएंगे? पहला काम है सफाई करना, उसके बाद जो जम्मू में ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको ठीक करना। जो हमारे दुकानदार भाई हैं जो आगे आगे माल लगाते हैं, उनको रिक्वेस्ट करें कि पीछे हो जाएं, जम्मू तभी स्मार्ट होगा। पहले हमारा घर स्मार्ट होना चाहिए, जहां हम खड़े हैं ये स्कूल स्मार्ट है, हम फिर हमारी गली स्मार्ट होनी चाहिए। धीरे धीरे ऐसे हमारे, मैं जिस दफ्तर में बैठता हूँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर, हमारा दफ्तर स्मार्ट होना चाहिए। एक एक चीज़ अब जब हम स्मार्ट करते जाएंगे जम्मू शहर हमारा स्मार्ट हो जाएगा। सर, जैसे कि साफ़ सफाई की आपने बात की, तो सर कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जो म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी है वो घर घर जाकर जो कचरा वगैरह उठाती हैं। सर, कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइड नहीं की गई है, और उनमें से एक इलाका जानीपुर भी है, तो इनको कब सर्विस प्रोवाइड की जाएगी? जानीपुर में सर्विस प्रोवाइड है, जानीपुर में तो कोई ऐसी बात नहीं। जो नए वार्ड हमारे बने हैं, 4 नए वार्ड बने हैं, उनमें अभी प्रोवाइड नहीं है, उन पर भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। और उसके अलावा जो 4 वार्ड हमारे एक्सटेंड हुए हैं, पहले छोटे बाढ़ थे बड़े डबल हो गए हैं, उनके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, जानीपुर में गाड़ी भी आती है, मुझे लगता है कि जानीपुर में ऑटो भी आता है। और भी अगर हमारी कॉरपोरेटर मेरे साथ है सुनीता गुप्ता जी, कोई कमी होगी उस कमी को भी हम दूर करेंगे। जानीपुर हमारे लिए बहुत प्रायोरिटी है, बहुत अच्छा बाढ़ है, हमारे हर समाज के लोग जहाँ रहते हैं। मैं खुद जानीपुर बाढ़ को अपनी तरफ से मतलब खुद भी देखूँगा। सर, फ्यूचर में आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट सोचा है जो जम्मू के लिए एक तोहफा होगा? जम्मू के लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमने कल ही अनाउंस किया, आज आप समाचार माध्यम से आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि जम्मू के जो चोरियाँ होती हैं वो बहुत बड़ा एक काम है। हमारा जो पुलिस प्रशासन है उसको भी वो रोकने की कोशिश करता है, फिर भी नहीं रुक रही हैं। हमने कल ही जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से प्रधानमंत्री जन सुरक्षा एक योजना है उसको लॉन्च किया है, उसका नाम जम्मू सुरक्षा योजना रखा है। उसमें हम हर घर में 2 कैमरे लगवाएंगे। IIT एक हमारी एक कंपनी है, उसके साथ हमने MOU किया है। उसमें एक कैमरा बाहर लगेगा, एक अंदर लगेगा, और थेफ्ट के बाहर अलार्म होगा, फायर का अलार्म होगा, 1 लाख ही उस घर के हेड को एक इंश्योरेंस देंगे, और उसमें से 5% वो जो होगा वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी देंगे। इसी तरह उसको हमने अनाउंस किया, और उसका 10,000 रुपये टोटल कास्ट रखी हमने, और उसमें 500 रुपये पर महीना लेंगे, 10,000 का भी 500 महीना लेंगे। 2019 के लिए ये बहुत बड़ा तोहफा जम्मू वासियों को दिया है, इससे हमारी जो सुरक्षा है जम्मू शहर की वो भी अच्छी होगी, जो हमारा पुलिस प्रशासन है उसको भी इसमें मदद मिलेगी। आज जो भी काम है सारा काम थर्ड आई जो तीसरी आंख है ये कैमरा ही करता है। मुझे पूरी आशा है कि आने वाले समय में हम इसको कर पाएंगे। सर, जम्मू कश्मीर की यूथ को जो ड्रग्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है, उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उसको यही मैसेज दे हैं कि अपने वो धर्म की तरफ चले, अपने संस्कार की तरफ चले, और सारा समाज हम लोग जो यूथ जो हमारी यूथ डेवलपमेंट कमेटीज़ बनाएँ उसमें इसका अभियान चलाएँ, और इसके बारे में ड्रग के खिलाफ आप रैली निकालें, स्कूल के बच्चे खासकर अवेयरनेस करेंगे। कुछ लोग NGOs कर रही हैं, हम भी कर रहे हैं। मुझे आशा है कि हमारे बच्चे आने वाले समय में बहुत समझदार हैं और अच्छे रास्ते पे चलेंगे, और इसकी यही है 2019 के लिए हमारी अपील। थैंक यू सर। आप जुड़े थे 12 टाइम्स के साथ, जिस तरह से इन्होंने कहा कि जो जम्मू में स्मार्ट सिटीज बनाने का दर्जा दिया जा रहा है, सबसे पहले तो हमें अपने घर को स्मार्ट बनाना चाहिए, गली मोहल्ले को स्मार्ट बनाना चाहिए। आप जुड़े रहे 12 टाइम्स के साथ, दोबारा मिलेंगे कुछ नई खबर के साथ। कैमरामैन कन्नव के साथ हर्ष महाजन, 12 टाइम्स।